फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं ईएमएफ इक्वेशन फॉर ट्रांसफार्मर। तो ये एक मोस्ट आईएमपी इक्वेशन है जो ड्राइव करने के लिए आती है, डेरिवेटिव आता है इसका एग्जाम में। BEEE BTECH फर्स्ट ईयर के लिए यह क्वेश्चन है, तो आप इसे पूरा देखिए वीडियो को। और ऐसे ही वीडियो देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो जल्दी से। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन कैसा आएगा पेपर में, ड्राइव ईएमएफ इक्वेशन फॉर ट्रांसफार्मर। तो ईएमएफ इक्वेशन आपको ड्राइव करनी है और ट्रांसफार्मर के लिए। तो सबसे पहले तो हम थोड़ी सी लैंग्वेज इसमें समझ लेते हैं ईएमएफ इक्वेशन ड्राइव करने से पहले। पहले क्या होता है, जब एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज को हम किसी प्राइमरी वाइंडिंग्स पर, ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग्स होती है और अल्टरनेटिंग वोल्टेज जो है उस पर अप्लाई करते हैं, तो क्या होता है, ये जो है एक मैग्नेटाइजिंग करंट और एक फ्लक्स फाई इसमें इस्टेब्लिश होता है या स्थापित हो जाता है या जनरेट हो जाता है, और कहाँ होता है, ट्रांसफार्मर की कोर में। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है, द फ्लक्स फाई इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द ट्रांसफार्मर कोर सेक्शन एंड इज लिंक्ड विथ द टर्न्स ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग। तो क्या होता है, एक फ्लक्स फाई है और यह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, यानी कि बराबर रूप से पूरे ट्रांसफार्मर कोर में डिस्ट्रीब्यूट होता है, कोर सेक्शन में। और ये जो लिंक होता है, कहाँ पर लिंक होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग्स के टर्न से ये लिंक होता है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, द मेन फ्लक्स फाई इस्टेब्लिश्ड इन द कोर इज अल्टरनेटिंग इन नेचर, हेंस अन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर ड्यू टू द चेंज ऑफ मेन फ्लक्स। तो क्या होता है, यहाँ पर मेन फ्लक्स जो है फाई है, यहाँ पर फ्लक्स को दर्शाया गया है फाई से, और यह इस्टेब्लिश होता है कोर में ट्रांसफार्मर की। और इसका जो नेचर होता है वो चूंकि अल्टरनेटिंग है, और यहाँ पर इसलिए क्या होता है, इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होता है या जनरेट हो जाता है, आप प्रोड्यूस भी इसे कह सकते हैं। तो एक ईएमएफ जो है यहाँ पर इंड्यूस हो जाता है, और कहाँ पर इंड्यूस होता है, ये प्राइमरी वाइंडिंग में जनरेट हो जाता है। और कहाँ पर, चेंज ऑफ द मेन फ्लक्स, किसके कारण होता है, फ्लक्स में चेंज के कारण या परिवर्तन के कारण होता है। और आप यहाँ पर इसे इस तरीके से दर्शा सकते हैं, ईपी इक्वल्स टू माइनस एनपी डी फाई अपॉन डी टी। यहाँ पर आप देख सकते हैं एनपी यहाँ पर क्या है, रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी वाइंडिंग। तो एनपी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्राइमरी वाइंडिंग में टर्न्स या घेरों की या संख्या जो है यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बाद फाई इक्वल्स टू होता है फाई मैक्सिमम कॉस ओमेगा टी, और यहाँ पर फाई क्या है, फाई जो है फ्लक्स की मैक्सिमम वैल्यू है। इसके बाद सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 1 बना देंगे और इसे इक्वेशन 2 नाम दे देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 में फाई की वैल्यू यहाँ पर हम पुट करेंगे फाई की जगह पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई पी इक्वल्स टू माइनस एन पी और यहाँ पर डी अपॉन डी टी, और फाई की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास क्या है, फाई की वैल्यू है फाई मैक्सिमम और कॉस ओमेगा टी। यहाँ पर ये फाई की वैल्यू हमने लिख दी। फ्रेंड्स जब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर डिफरेंशिएट होना है टी के रिस्पेक्ट में। तो जब इसका डिफरेंशिएट होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर हो जाएगा एन पी और यहाँ पर हो जाएगा ओमेगा फाई मैक्सिमम, और यहाँ पर कॉस ओमेगा टी की जगह पर कॉस का डिफरेंशिएशन होगा साइन और ओमेगा टी ये जो कहते हैं रहेगा। और दोस्तों अगर आपको ये इक्वेशन बड़ी लगे तो आप यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं एग्जाम में, और यदि आपके पास समय बहुत कम बचता है तो आप यहाँ से भी इसको शुरू कर सकते हैं। और यहाँ पर ये जो ई पी है, ई पी मैक्सिमम होगा, ई पी मैक्सिमम कब होगा, जब साइन ओमेगा टी 1 के इक्वल होगा। तो यहाँ पर हम साइन ओमेगा टी को 1 के इक्वल रख देंगे और यहाँ पर ई पी को लिखेंगे ई, अब यहाँ पर कैपिटल ई पी मैक्सिमम इक्वल्स टू, यहाँ पर हो जाएगा हमारा नेक्स्ट स्टेप एन पी और ओमेगा फाई और ये मैक्सिमम, और साइन ओमेगा टी की वैल्यू 1 है तो 1 हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं, यहाँ पर ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप साइन ओमेगा टी इक्वल्स टू, हमने यहाँ पर 1 मान लिया है, आप इसे या 10 के लिए लिख सकते हैं। और यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप आएगा, इसके बाद आपको यहाँ पर एक सेंटेंस यहाँ पर लिखना है, हेंस द आरएमएस वैल्यू, हेंस द आरएमएस वैल्यू ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ
इन द प्राइमरी वाइंडिंग्स, इन द प्राइमरी, तो यहाँ पर आरएमएस वैल्यू इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए, प्राइमरी वाइंडिंग्स के लिए क्या होती है, आपको यहाँ पर ये याद रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर जनरेटर ईएमएफ जो होगा और उसके लिए आरएमएस वैल्यू क्या होती है, यहाँ पर आपको यहाँ पर लिखना है सबसे पहले ईपी इक्वल्स टू, ईपी इक्वल्स टू होता है ईपी मैक्सिमम, ईपी मैक्सिमम अपॉन और यहाँ पर अंडर रूट टू। तो यहाँ पर हम ईपी मैक्सिमम की जो वैल्यू है यहाँ पर हम पुट कर देंगे, और ईपी मैक्सिमम की वैल्यू हमारे पास थी पहले एनपी ओमेगा फाई मैक्सिमम और अपॉन में अंडर रूट टू। इसके बाद ये हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू होती है 2πf, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं ओमेगा इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पर 2πf, ये ओमेगा की वैल्यू होती है, इसे आपको याद रखना है। और इसके बाद हम यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा np, ओमेगा की जगह पर हमारे पास आ जाएगा 2πf और फाई मैक्सिमम और अपॉन में अंडर रूट टू। इसलिए यहाँ पर ईपी की जो वैल्यू हो जाएगी, इसे जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, और ईपी जो है प्राइमरी वाइंडिंग्स के लिए है ये वैल्यू, तो 4.44 और यहाँ पर हो जाएगा एफ एन, एफ एन पी और फाई मैक्सिमम है हमारे पास यहाँ पर, और मैक्सिमम वोल्ट्स, ये पूरी वैल्यू है वोल्ट्स में। इसके बाद ईपी की नेक्स्ट वैल्यू होगी 4.44 और एफ एन पी और यहाँ पर क्या है एनपी के बाद है बी एम ए आई वोल्ट्स। इसे आप यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3 नाम दे देंगे। और यहाँ पर ये जो दूसरा वाला ईपी की वैल्यू है, इसे मैं आप लोग यहाँ पर देखेंगे, मैंने कुछ यहाँ पर बी एम ए आई करके लिख दिया है, तो आप लोग कहेंगे कि ये क्या है। तो यहाँ पर एफ क्या है, एफ है आपका फ्रिक्वेंसी है, किस चीज की फ्रिक्वेंसी है, आपकी एसी सप्लाई की फ्रिक्वेंसी है। और इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे बी, तो बी है जो मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी है, उसकी वैल्यू बी एम है। और यहाँ पर ए आई है जो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कोर इन स्क्वायर मीटर, तो यहाँ पर क्या है ए जो है यहाँ पर ए आई है, यहाँ पर एरिया है, एरिया आपका रिप्रेजेंट करता है। तो आप इसको यहाँ पर यहाँ लिख सकते हैं कि एफ क्या है फ्रिक्वेंसी ऑफ सप्लाई है, और बी एम है मैक्सिमम प्लस डेंसिटी ऑफ ए आई क्या है यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कोर, और यहाँ पर एक इसमें है टेस्ला में है, तो क्या इन टेस्ला आप यहाँ पर एड कर सकते हैं। इसके बाद सिमिलरली यहाँ पर क्या होगा, जैसे हमने प्राइमरी वाइंडिंग्स की वैल्यू यहाँ पर निकाली है ईपी की वैल्यू, इसी प्रकार सिमिलरली सेकेंडरी प्राइमरी यानी सेकेंडरी वाइंडिंग की जो वैल्यू हम निकालेंगे, यहाँ पर आपको लिखना है सिमिलरली, सिमिलरली, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग के लिए आपको क्या लिखना है ईएमएफ इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी वाइंडिंग, तो एन एस यहाँ पर आप लिखेंगे, एन पी का मतलब होगा प्राइमरी और यहाँ पर एस का मतलब सेकेंडरी वाइंडिंग्स। तो यहाँ पर क्या होगा ई एस इक्वल्स टू होगा 4.44, यहाँ पर होगा एफ, एफ क्या है फ्रिक्वेंसी ऑफ सप्लाई और यहाँ पर फाई मैक्सिमम, फाई मैक्सिमम है और एन एस वोल्ट्स, एन एस क्या है सेकेंडरी प्राइमरी यानी सेकेंडरी वाइंडिंग्स को दर्शाता है और यहाँ पर वोल्ट्स। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर होगा ई एस इक्वल्स टू 4.44 एफ, यहाँ पर बी एम और यहाँ पर बी एम जो होता है मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी होती है, और इसके बाद होगा ए आई और एन एस वोल्ट्स। तो यहाँ पर ए आई बी एम की वैल्यू आप यहाँ पर पहले ही लिख चुके हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे इसे इक्वेशन नंबर 4 नाम दे देंगे। अब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को आप लोग क्या करेंगे यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर आप इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 यहाँ पर देख सकते हैं, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर आपको लिखना है डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 3, डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड 4, 3 और 4 नंबर इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर होगा इक्वेशन नंबर 3 है यहाँ पर ई पी इक्वल्स टू 4.44 एफ एन पी बी एम ए आई और यहाँ पर अपॉन में, यहाँ पर अपॉन में जो है यहाँ पर है ई एस इक्वेशन नंबर 3, और इक्वेशन नंबर 4 को हमें डिवाइड करना है, तो यहाँ पर है ई एस इक्वल्स टू 4.44 और यहाँ पर हो जाएगा एफ बी एम ए आई और एन एस। अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कुछ कैंसिल हो जाएंगी चीज़ें, तो यहाँ पर 4.44
और एफ बी एम और ए आई कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर ए दोनों कैंसिल और यहाँ पर बी एम और ए आई भी कैंसिल। अब हमारे पास जो कुछ बचा है उसे हम लिख लेते हैं, तो हमारे पास क्या बचा है, ई पी अपॉन ई एस, ई पी अपॉन ई एस इक्वल्स टू बचा है एन पी और अपॉन में है एन एस। तो ये जो इक्वेशन है हमारे पास बच चुकी है और यही इक्वेशन कहलाती है ई एम एफ इक्वेशन ऑफ होल ट्रांसफार्मर। अब समझते हैं इसे स्टेप बाय स्टेप हमने कैसे किया और यहाँ पर आपको कैसे लिखना है एग्जाम में। सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले यहाँ पर आपको ये लैंग्वेज लिखनी है, अगर 7 नंबर का या 14 नंबर का क्वेश्चन आता है, और अगर आपको ये लैंग्वेज कठिन लगती है तो आप यहाँ पर इसे 2 पॉइंट को छोड़कर आप तीसरे पॉइंट से भी शुरू कर सकते हैं। यहाँ पर तीसरे पॉइंट से शुरू करके यदि आपको ये भी नहीं लिखना तो आप यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं इसको 7 नंबर में। और यहाँ पर सबसे पहले मैन फ्लक्स की यहाँ पर वैल्यू क्या होती है, ई पी इक्वल्स टू माइनस एन पी डी फाई अपॉन डी टी, और यहाँ पर क्या किया फाई की वैल्यू यहाँ पर हमारी होती है क्यू और सॉरी फाई मैक्सिमम कॉस ओमेगा टी। इक्वेशन 1 और 2 से फाई की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रखी, इसके बाद इक्वेशन हमें कुछ इस तरीके का स्टेप मिला और यहाँ पर आप देख सकते हैं डी अपॉन डी टी यानी डिफ्रेंशिएशन होगा यहाँ पर, तो कॉस ओमेगा टी का साइन ओमेगा टी हो जाएगा। और इसके बाद हमने क्या किया साइन ओमेगा टी की वैल्यू 1 रखी, तो यहाँ पर ए हमें एन पी ओमेगा फाई मैक्सिमम प्राप्त हुआ। और यहाँ पर आपको एक लाइन लिखना है हेंस द आरएमएस वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन प्राइमरी वाइंडिंग। इसके बाद आरएमएस की जो वैल्यू होती है ईएमएफ की तो क्या होती है ईपी इक्वल्स टू ईपी मैक्सिमम और अपॉन 100√2, और यहां पर क्या होगा ओमेगा की वैल्यू 2πf हमने यहां पर पुट करेंगे, तो यहां पर आप देख सकते हैं और यहाँ पर ई पी मैक्सिमम की वैल्यू भी यहाँ पर सबसे पहले पुट की एन पी ओमेगा फाई मैक्सिमम अपॉन 2 और ओमेगा की वैल्यू 2πf यहाँ पर पुट करेंगे, और जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 4.44f एन पी फाई मैक्सिमम वोल्ट्स, और ई पी की दूसरी वैल्यू होगी 4.44f एन पी बी एम ए आई वोल्ट्स। तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3 से बना देंगे। इसके बाद यहाँ पर एफ बी एम और ए आई की यहाँ पर ये देख सकते हैं वैल्यू, फ्रिक्वेंसी ऑफ सप्लाई है एफ, यहाँ पर मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी बी एम है, और ए आई क्या है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कोर इन टेस्ला। इसके बाद नेक्स्ट है इसी प्रकार से सेकेंडरी वाइंडिंग्स के लिए हम निकालेंगे, तो सेकेंडरी वाइंडिंग्स के लिए इतनी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ई एस की वैल्यू यहाँ पर इस तरीके से निकाल सकते हैं, इसे आप सीधा याद भी कर सकते हैं चाहे तो। यहाँ पर इक्वेशन नंबर 4 इससे बना देंगे, और यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3 और 4 को क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। जैसे ही हम इसे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन हमें प्राप्त हो जाती है। इक्वेशन नंबर 5 ही आपका ई एम एफ इक्वेशन है ट्रांसफार्मर के लिए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाओ और शेयर करो इसे ताकि सभी बच्चे देख पाएं। और यार वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है, इसे सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसे ही वीडियो ला सकूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।